नमस्कार, पर्पल भारत में आपका स्वागत है। पूरे देश में उन्होंने सब लोगों को संबोधित करा और जो लोगों के लिए जो उनके लिए जो नई स्कीमें थी उनके लिए लोगों को अवगत कराया। बड़ा अच्छा लगा कि पहली बार एक प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे इस तरीके का प्रयास हुआ है कि आम पूरे देश के लोग जुड़े हैं, लोगों ने सीधे सवाल करे हैं। ऐसा कभी नहीं होता था, इवन यूरोपियन कंट्रीज में भी ये नहीं होता। हमारे देश में ये होना एक पहली बार एक नई परम्परा का एक उन्होंने लॉन्च करा है, जिसके लिए लोगों को बड़ा अच्छा लगा। आप सवाल सुन रहे थे, गांव के लड़के एक जम्मू कश्मीर से एक नॉर्थ ईस्ट से, उन्होंने सब बातें खुल के मन प्राइम मिनिस्टर से बात करी। वो कहते मेरे जीवन में कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसा मौका मिलेगा। तो मैं समझता हूँ लोगों को बड़ा लाभ मिल रहा है, सरकार के जो नए कार्यक्रम हैं उससे लोग सीधे डायरेक्टली जुड़े। कितना असर असर यात्रा का पड़ता है? देखिए बहुत बढ़िया पड़ेगा। मैं आपसे बताऊँ, प्रधानमंत्री जी के शुरू में एक योजना थी, उन्होंने कहा था कि जितने लोग हैं अपने बैंक में खाते खोलो, और पूरे देश में हर आदमी ने खोला। तो उसका फायदा ये हो रहा है कि बीच में कोई नहीं है, सीधा उनके खातों में पैसा जा रहा है। एक बहुत बड़ा काम हो गया जो प्रधानमंत्री ने। सर, सब यात्रा ये गांव-गांव जाएगी या फिर कुछ ब्लॉक के अंदर? पूरे हरियाणा में, पूरे देश में सब जगह चल रहा है। हर स्टेट अपने तरीके से ऑर्गेनाइज करिए। हमारे यहाँ 57 रथ है जो पूरे हरियाणा को कवर करेंगे। ये 25 जनवरी तक चलेगी। मैं समझता हूँ तकरीबन बड़े गाँव रूट के सब कवर हो गए। मैम, आप क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है और यात्रा मोदी जी की ये पहल है और माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये देखिए कि प्रधानमंत्री होकर किस तरह से जो है वो जन जन के साथ जुड़ रहे हैं, और इसमें कितनी बातें आप लोगों ने भी देखी होंगी कि उन्होंने बताई कि किस तरह से जो हमारे जन औषधि केंद्र हैं 10,000 अभी तक बन चुके हैं और 25,000 का आगे लक्ष्य है। तो ये जो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है, इसके तहत हमारे केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसके बारे में आम जन को अवगत कराया जाएगा, और हरियाणा सरकार की भी जो योजनाएं हैं माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में उसके बारे में भी जो है वो आम जन को जो है वो अवगत कराया जा रहा है। जो योजनाओं के लाभार्थी हैं उनकी भी जो अपनी कहानी है वो आप सबको दिखाई जा रही है कि किस तरह से उनको लाभ मिले हैं, और जो वंचित रह गए हैं उनके लिए भी कैंप लगाए गए हैं। और इसके साथ साथ ये यात्रा के अंदर भी जो है सारे प्रोविजंस किए गए हैं, सारे जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं, डीसी साहब भी देखिए और उनके साथ पूरा का पूरा प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। और जिस किसी को भी ये लगता है कि उनके जो योजनाएँ हैं उनसे वो वंचित रह गए हैं तो उनको भी इसका लाभ मिल सकता है। मुझे लगता है कि अपने आप में एक यूनिक पहल है, और इस बात के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक कदम और आगे बढ़कर, हरियाणा की बहुत सी ऐसी योजनाएँ हैं जो केंद्र से भी एक कदम आगे बढ़ के, आयुष्मान योजना की भी बात करें हम, बीपीएल की बात करें, 1,20,000 का जहां पर लिमिट है माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहां पर उसको 1,80,000 रुपए किया है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूं कि सभी हमारी पूरी की पूरी हरियाणा सरकार सभी मिलकर जो है जिस तरह से पूरी जनता को आम जन को लेकर चल रहे हैं, अंत्योदय के माध्यम से अंतिम छोर पर जो इंसान बैठा है उस तक भी सभी योजनाओं का लाभ मिले, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए ये यात्रा जो है निकाली जा रही है। अक्सर देख जगह से कैंप लग जाएंगे, पूरे 57 के करीब जो रथ हैं वो तैयार किए गए हैं और एक भी गांव ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर ये रथ ना जाए। तो इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से भी आह्वान करना चाहती हूँ कि सभी के सभी सरपंच जो हैं और जितने भी प्रतिनिधि हैं वो इसमें जो है जोर शोर के साथ भागीदारी करें और सभी ग्रामवासियों को इसके बारे में अवगत कराएं, ताकि जो भी ग्रामवासी किसी भी योजना से अगर वंचित रह गया तो वो इसका लाभ उठा सके। अर्बन एरिया ये मैं फैमिली आईडी वाली, वो कहीं ना कहीं इस एक बहुत बड़ा अड़ंगा बनती हुई दिखाई। आप चाहे आप इसके अंदर फैमिली जो आईडी है उसकी बात करें, चाहे आप आयुष्मान कार्ड की बात करें, कोई भी सरकार की योजना, मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ उसी के लिए ये लगाया गया है। फैमिली आईडी में जो भी अपना
जो है क्लियर करना चाहता है। जिस तरह की कोई अभी एक हमारे पास महिला आई, उन्होंने कहा कि जी मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा फैमिली आईडी नहीं बनाया। तुरंत प्रभाव से डीसी साहब ने जब यहाँ पर कैंप के लिए भेजा तो पता लगा कि उनका एक जो लड़का है वो बिजली विभाग में नौकरी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है कभी कई बार जो है हमारी आम जनता को इस बात का पता नहीं होता कि अगर परिवार में कोई नौकरी कर रहा है और उसकी आय 1,80,000 रुपए से ज्यादा है तो उसके अंदर फिर जो है उसमें जो है वो उनको कुछ योजनाएं जो है उनका लाभ मिलेगा और कुछ योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। तो इसी चीज को सुनिश्चित करने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं और ये यात्रा निकाली जा रही है। पिछली बार चुनाव में जो ये मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, केंद्र में 10 की 10 जो है हमारी लोकसभा की सीटें और जो है यहाँ पर हरियाणा के अंदर भी जो है वो जन समर्थन जबरदस्त हमें मिल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, यहाँ पर भी हरियाणा में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ठीक है, और जितने भी शहर है सबके अंदर ये रथ यात्रा जाएगी ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। मैम आपने भी गाँव में जाकर के जन